आज शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं सुर और साज की महफिल में। Hey everybody, रखो बेटा, वो एंकर हैं, डॉक्टर नहीं जो तकलीफें बता रहे हैं। कौन सी मौसीकी है? फरीद मियां, अहदे हाजिर में अगर सुच्चे सुरों को जवाल आया है, तो उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि सारी जिंदगी इस फन के लिए वक्फ करने वालों की इज्जत को इन मौसीकी के बलबूते पर ठेला लगाने वालों ने बर्बाद कर दिया है। एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हैं बुजुर्गों आप? मैं आपसे ना बात कर रहा हूँ, ना करनी चाहता हूँ, ना ही कभी करूंगा। बुजुर्गो, इसी मौसीकी के ठेले के बलबूते पर मैंने दो कोठियां बनाई हैं, चार गाड़ियां ली हैं। देखिए, सिर्फ कार कोठी के बलबूते पे ही अकड़ते फिर रहे हैं भाई। हमने तो इन चीजों को, इन मादी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम तो सिर्फ सारी जिंदगी रियाज करते रहे। हमें तो जब लड़की वालों ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो हमने बड़ी मासूमियत से कहा जी रियाज करते। अच्छा, फिर? फिर क्या होना था, उसी वक्त उठ के चले गए। हाँ साहब, कौन चले गए? लड़की वाले, हालांकि हम उनके घर गए हुए थे। लड़की वाले अपने घर से चले गए? जी हाँ, बल्कि जाते हुए अपनी बेगम साहिबा से कह गए कि मौसूफ जब चले जाएंगे तो मुझे बुला लीजिएगा। क्योंकि फरीद मियां, उस वक्त तो इस काम को बेकार ही समझा जाता था। वो तो सिर्फ इसके कदरदान नहीं जानते थे कि मौसीकी क्या चीज है। क्या कहने, मगर अब तो नाकदरी का ये आलम है कि ऐसे बड़े लोगों को भी चोरी का इल्जाम लगा के मोहल्ले में बदनाम किया जा रहा है। खासा, क्या मतलब चोरी का इल्जाम? जी हाँ, अहले इलाका तो इन पे पर्चा कटवाने के लिए तुले हुए हैं। अरे क्यों? हालांकि आप खुद जरा देखिए, जरा गौर से देखिए जी। गो ये मुश्किल काम है, मगर चंद सेकंड के लिए तो गौर कीजिए। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ गौर। बल्कि ठहरिए, हम पहले खुद चेक कर लें। गो हल्का सा शक पड़ता है, मगर शक और पक में फर्क होता है। इसलिए हम तो ये बिल्कुल नहीं समझते कि इन्होंने कभी भी जिंदगी में ऐसी हरकत की है। अच्छा खान साहब, मगर ये तो बताइए, हुआ क्या है? होना क्या है फरीद मियां, हमारे घर से कुछ ही दूर वहां शेख तारिक साहब जम्मू वाले रहते हैं। अच्छा। उन्होंने कुर्बानी के लिए बकरे खरीदे हुए हैं। अच्छा भाई, अगर आप माशाल्लाह साहिब इस्तेआत हैं, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो आप बकरों के साथ चंद दिनों के लिए एक हिफाजत के तौर पे गार्ड खड़ा कर दीजिए। अच्छा, या ये नहीं किया तो अपनी कोठी का गेट ही बंद रखिए। उन बकरों में से एक बकरा कहीं गेट से निकल के कहीं गुम हो गया। अच्छा, अब ये वाकया जब पेश आया तो उनके नौकर चाकर जो है वो मोहल्ले में पूछते फिर रहे थे कि भाई यहाँ से किसी ने सफेद बकरा गुजरता हुआ तो नहीं देखा। अच्छा। या किसी शख्स को तो नहीं देखा जो सफेद बकरा ले जा रहा हो। भाई हमने देखा ही नहीं, हम कैसे हाँ कर दें? अब बदकिस्मती ये, बल्कि शूमई किस्मत कहिए, हम एक प्रोग्राम पे गाने के लिए चले गए। किसी दूसरे इलाके में एक साहब के बच्चे का अकीका था। फंक्शन पे चले गए? जी हाँ, उन्होंने महफिल मौसीकी का फंक्शन सजाया हुआ था। अच्छा। और हमें उन्होंने दावत दी हुई थी। अच्छा। जब हम अपने फन का मुजाहिरा करके निकलने लगे, तो उन्होंने हमें
मेहनताना तो थमाया, साथ उस्ताद मोहतरम की सेहत देखते हुए अकीके पे जो बकरा जिबा किया था उसके सिरी पाए एक शापर में डाल के तो उस्ताद मोहतरम की खिदमत में हाजिर कर दिए। अब हम वहां से वो सिरी पाए और अपना मेहनताना लेके जब अपनी गली में घुसे तो शेख तारक जम्मू वाले जो साहब हैं उनके ड्राइवर ने शापर के ऊपर कुछ खून लगा हुआ देखा। अच्छा। तो उन्होंने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि ये क्या है। उस्ताद मोहतरम ने बड़े आराम से शापर खोल के दिखा दिया कि भाई सिरी पाए हैं। अच्छा। अब वही शूमई किस्मत, सिरी और पाए भी सफेद रंग के। वो ड्राइवर साहब ने जाके शेख तारिक जम्मू वाले साहब से कहा कि आपका बकरा तो खान साहबों ने चोरी करके तो ज़िबा करवा लिया है। वो ते मल्ले च रौला पै गया होना कि अद्धा किलो गोश्त खान वाले पूरा बकरा किवें करा सकदे ने। अबे ओ कीमे का एक दाना एक हफ्ते में खत्म करने वाले, इस बात में मत बोलो, हम पहले ही बहुत गुस्से में। हाँ साहब, मेरे उस्ताद जी ने पिछली वड्डी ते पौने 2 लाख दा बकरा ज़िबा कीता है। यानी जो खुद राजनपुर से बकरे ला के इधर बेचते हैं उन्होंने 2.25 लाख का बकरा कहाँ से ज़िबा कर लिया। बेचते हैं तो कोई चोरी नहीं करते बकरा ही। हमने भी चोरी नहीं की, अल्लाह के फजल से उन्होंने खुद तोहफे के तौर पे सिरी और पाए पेश किए थे। हाँ सब लड़े ना, रहने दे बात को, ये बताइए हुआ क्या फिर। भाई होना क्या है, मोहल्ले के लोग भी वो अमीर लोग हैं उनके साथ मिल गए। अच्छा। एक साहब कहने लगे जी कि इनके घर से सुबह सुबह बकरे की आवाजें आ रही थी। है? बकरे की आवाजें? हमने बताया कि भाई नहीं, सुबह सुबह उस्ताद मोहतरम गरारे करते हैं तो उस वक्त बकरे की आवाजें निकालते हैं। एक और मिल गया उनके साथ, कहने लगा जी हमने रात को भी बकरे की आवाजें सुनी है। हमने फिर कहा कि रात को रियाज फरमाते हैं। इसलिए किसी वक्त गले में से बकरे जैसी आवाज निकल आती है। लेकिन बकरे की आवाज और रियाज फर्क है दोनों में? जी हाँ, मगर यहाँ रत्ती बराबर भी फर्क नहीं। अच्छा। उस्ताद मोहतरम जरा कोई राग शुरू कीजिए। अब जरा देखिए इसमें अब उस्ताद मोहतरम का क्या कसूर है। भाई गला तो अल्लाह ताला ने अनायत किया है ना। हाँ जी, खान जी गला तो रब ने दिता पर बकरा तो इन्होंने चोरी किया ना। हम चोर नहीं है, हम तो इल्जाम है। सुनिया जी बाबू जी उस्ताद जी का राग, अल्लाह माफ करे, कांबे वाला बुखार चढ़े ना तो यही मरीज के मुंह चो आवाजा निकल दी। यानी एक पहले ही इल्जाम लग चुका है, ऊपर से आप बुखार भी चढ़वा रहे हैं, कुछ हया कीजिए। उस्ताद जी केड़ा गाना, केड़ा गाना लगदा बकरे दे गल च तूड़ी वंडा फसे है। ये सालों रियाज करने के बाद ऐसी गरारी बनती है। गरारी। खान साहब फिर आप मुझे बताएं फैसला क्या हुआ। भाई फैसला क्या होना है, उनको हमने कहा कि भाई आपका बकरा ये नहीं है। हाँ। हमें ये किसी ने तोहफे में दी है सिरी और पाए। हाँ। तो कहने लगे कि चले हमें चल के चेक करवाइए। जब हम उनको लेके वो शेख तारिक साहब को जम्मू वाले को अपने घर पहुंचे। हाँ। तो उतनी देर में उस्ताद मोहतरम ने सिरी चूल्हे पे चढ़ा ली हुई थी। वो और मशकूक हो गए, उन्होंने कहा कि ये बकरा ही हमारा था जो आपने इतनी जल्दी की। हालांकि हमने उनको समझाया कि उस्ताद मोहतरम खाने पीने वाली चीज में इतनी ही जल्दी करते हैं, बल्कि आप ये शुक्र कीजिए कि उन्होंने चूल्हे पे चढ़ा ली, वो तो कई चीजें कच्ची भी खा जाती है। मगर सिरी और पाए कच्चे तो नहीं खाए जाते भाई, इसीलिए तो उस्ताद मोहतरम ने चूल्हे पे चढ़ाई। मगर वो लोग नहीं मान रहे, वो अब कह रहे हैं कि नहीं, बात जो है वो
थाने में ही जल के खत्म होगी। अब हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने आए हैं कि आपने थाने में कुछ हमारी सिफारिश करनी है, और अगर थाने से बात आगे निकल गई कोर्ट कचहरी की तरफ तो वहां पे भी जमानत के मुचलके आपने ही भरने हैं। ओ बाऊजी भला वे ताड़ा इना खासा पता तो कोई ना कोई रट्टा पिया ही रहना, सानू ते फन पेश करन दा कोई मौका दियो ना। 12 बजे आखरी बस जांदी है पिंड सुनाइए सी तानू। हां चाबे भी शिवली वाला तैयार है? शिवली हां जी हां भी जोड़ी वाले हां ठीक है। लो जी बाऊजी सुरों के सुल्तान जो मेहंदी हसन हुए हैं उनकी गजल आपको आज पेश करने लगा हूं मेहंदी साहब की। आहा जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों ने दिया, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, मुझ पर दो बकरों का केस करवा दें, मैं ये मसीकी नहीं सुन सकता। लो जी मेरे ना शर्त ला लो, ये बकरा बाबे होने चोरी कीता। क्या आप क्यों इस कदर दलेरी दिखा रहे हैं? आप दो बकरों का कह रहे हैं, एक बकरे का किस्सा नहीं खत्म हो रहा है। आपको मालूम नहीं जेल में क्या होती है? जी हाँ, वहां पे कोई हमारी उस्तानी साहिबा नहीं बैठी हुई जो आप जितनी दाल मांगेंगे दे देंगे। और अगर जेलर साहब ने गुस्से में बालों की कटिंग करवा दी तो बाहर निकल के कोई पहचाने का भी नहीं। बात ये है फरीद मियां कि हम गवाही देते हैं कि हमारे उस्ताद मोहतरम ऐसे नहीं है। ये एक शरीफ आदमी है, तो ये जो इन पे मुद्दा डाला जा रहा है, जो इन पे इल्जाम लगाया जा रहा है, खुदा रहा इसका कोई बंदोबस्त कीजिए, वरना हम ये कह देते हैं कि अगर हमारे उस्ताद मोहतरम को पकड़ लिया तो हवालात में किसी दूसरे कैदी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। चले मैं शेख तारिक जम्मू वाले से बात करूंगा कि आप लोग बेगुनाह, आप लोगों ने बकरा चोरी नहीं किया। मेहरबानी कीजिए शेख साहब से कहिए कि कुछ पैसे खर्च करके दूसरा बकरा ले लीजिए, बल्कि उसमें और पैसे डाल के एक हमें भी ले दीजिए।